देखिए कितना बढ़िया मखाने का खीर है। चलिए आज हम माता रानी के लिए बनाएंगे मखाने का खीर, चलिए बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे माता रानी का भोग, वो भी मखाने का खीर। मखाने का खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बनाना भी बहुत ईजी है, तो चलिए हम बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए मखाना, मखाना एक कप, चीनी, चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत लोग कम मीठा खाते हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी ले लीजिएगा, केसर के धागे, कुछ घी, और हम लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में लेंगे काजू, किशमिश, हरी इलायची 4-5 और बादाम गिरी 6-7 और 1 लीटर दूध। और ड्राई फ्रूट्स और भी आप चिरौंजी, पिस्ता, जो भी आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। तो चलिए पहले क्या करेंगे कि हम मखाने को कट कर लेंगे, दो दो भाग में मखाने को कट कर लेंगे। इस तरह से मखाने को हम कट कर लेंगे, 2 से 4 भाग में हम इसे कट कर लेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स को भी हम कट कर लेंगे। तो मखाने को हमने कट कर दिया है, देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसे कट कर दिया और ड्राई फ्रूट्स को भी कट कर दिया है। चलिए अब इसे हम बनाते हैं। सारा ड्राई फ्रूट्स कट कर दिए हैं और हरी इलायची को भी हमने कूट लिया है। चलिए इसे अब हम बनाते हैं। तो हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे घी। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे फिर हम इसमें डालेंगे ड्राई। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें ड्राई फ्रूट्स को हम डालकर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा नहीं फ्राई करना है हमें, थोड़ा सा गोल्डन कर लेना है। इसे हम फ्राई कर लेंगे। हल्का ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे किशमिश। किशमिश को ज़्यादा नहीं फ्राई करना होता है इसलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे, हमारा फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए हैं, अब इसी में हम डालेंगे ये मखाने और इसे हम क्रंची होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। मखाना हमारा क्रंची हो गया है, इसे भी हम दूसरे बाउल में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी पैन में हम दूध डालेंगे। गैस को ऑफ करके ही डालिएगा, नहीं तो जलने का डर रहता है क्योंकि कढ़ाई हमारा गर्म है। और इसे हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे, 4 से 5 मिनट तक इसे हम अच्छी तरह से उबालेंगे। 4 से 5 मिनट हो गया है और दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है, दूध हमारा अच्छे से उबल गया। अब इसी समय थोड़ा सा दूध लेके हम केसर में डाल देंगे ताकि इसका कलर आ जाए। अब इसमें डालेंगे हम मखाने और इसे 3 से 4 मिनट पकाएंगे हम। इसी टाइम हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स, कुछ डाल देंगे थोड़ा सा गार्निश के लिए हम रख देंगे और थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट्स इसमें इसी टाइम डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट अभी पकने देंगे। इसे अच्छे से पकाना है, बहुत ही स्वादिष्ट ये खीर बनने वाली है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। खीर हमारा हो चला है, 3 से 4 मिनट और हमें पकाना है और इसी टाइम हम डालेंगे इलायची पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम डालेंगे इसमें केसर वाला दूध, इससे हमारे खीर का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब 2 से 3 मिनट और इसे हम पकाएंगे।
तो खीर हमारा तैयार है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे हम पहले ठंडा होने देंगे। 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो खीर हमारा ठंडा हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम इसे एक बाउल में निकाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, खीर हमारा बनकर तैयार है और आप इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसा लगा। और फिर हम मिलेंगे एक अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।